देश भर में आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबे उम्र की कामना करती हैं। वहीं इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीकों से रक्षाबंधन मनाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं बहनें भगवान श्री राम को रक्षा बांध रही हैं, तो कहीं मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत कर रही हैं। वहीं देश भर में कोरोना के प्रकोप के बीच रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन एक दूसरे को मास्क पहना रहे हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होना है और इस अवसर पर आज जिले के मंदिर में बहनें भगवान श्री राम की कलाई पर राखी बांधती हुई दिखाई देती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रक्षाबंधन पर गंगा जमुनी तहजीब तब दिखाई दी जब यहां मुस्लिम बहन ने हिंदू भाई की कलाई पर राखी बांधकर माथे पर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। शहनाज बेगम बताती हैं कि उनके भाई के मित्र को हमेशा से भाई मानती हैं और हर साल राखी बांधती हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, फिरोज भाई मेरे भाई, उनके मित्र ये भी मेरे भाई हैं। हम लोग वैसे ही मानते हैं अपने भाइयों की तरह। वहीं कोरोना संकट के बीच अमृतसर में अलग अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। यहां कोरोना से बचने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भाई बहन ने एक दूसरे को मास्क पहनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्राओं की एक समूह ने पेड़ों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने रक्षाबंधन पर पर्यावरण के बचाव और पेड़ों की अंधाधुंध हो रही कटाई को लेकर सवाल खड़े किए और इसके जरिए समाज में एक संदेश देने की कोशिश भी की। हमने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठकर ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पेड़ों को राखी बांधेंगे, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा एनवायरनमेंट को लेकर के कि अगर हम पेड़ों को सेव रखेंगे तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।